सिलेक्शन कमेटी बनाने की नौबत क्यों है? औरंगाबाद नामांतर विरोधी संघर्ष समिति जो हमने माननीय खासदार इम्तियाज जलील साहब के अध्यक्षता में बनाई है, वो समिति का एजेंडा ये है कि सरकार ने जाते जाते, जो ठाकरे सरकार थी, जाते जाते उन्होंने औरंगाबाद शहर का नामांतर करने का फैसला किया और कई फैसले उन्होंने वो मीटिंग में किए और चंद घंटे की सरकार वो रही थी और बाद में वो सरकार चली गई। शिंदे सरकार यहाँ पर आज मौजूद है। शिंदे सरकार आने के बाद जो भी फैसले उन्होंने लिए थे आखिरी मीटिंग में, वो सब रद्द करने का उन्होंने ऐलान किया और जो नामांतर का जो इशू था उसके बारे में शायद उन्होंने उसके ऊपर फैसला नहीं लिया। मैं औरंगाबाद कर हूँ, कल था, आज भी हूँ और कल भी रहेगा। हमारे औरंगाबाद शहर के जितने भी नागरिक हैं, जिले के नागरिक हैं, वो चाहते हैं कि औरंगाबाद शहर का नाम बदला नहीं जाना चाहिए। जो 95 में ऐसी कोशिश हुई थी वो कोशिश नाकामयाब हुई थी। सुप्रीम कोर्ट तक वो मसला चले गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको डिनाई कर दिया था। सरकार ने आखिरी बार वो केस भी वापस लिया था और हम अभी जानना चाहते हैं लोगों से, और लोगों ने भी हमको ऐसी राय दी है कि हम औरंगाबाद का रहे और औरंगाबाद कर ही रहना हम चाहते हैं। तो हम लोकशाही माध्यम से ऐसी हमारी तैयारी हो गई कि आने वाले 12 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर पुतले के वहाँ से एक बड़ा जुलूस जो 50,000 के तादाद में होगा वो आमखास मैदान में जाएगा। उसमें बाबा साहब का संविधान और एक अपने भारत देश का जो सिंबल है तिरंगा ध्वज, वो हमारे हाथ में रहेगा। कोई पार्टी का झंडा नहीं रहेगा, कोई समाज का झंडा नहीं रहेगा और हम मूक मोर्चा जिसको बोलते हैं, सरकार जो सरकार को जगाने के लिए हमारा ये मोर्चा होने वाला है और हमारा विरोध कायम करने के लिए मोर्चा होने वाला है। मोर्चे में हर पार्टी के लोग यहाँ पे शामिल है। गिने चिने पार्टी के लोग जिनका हिंदुत्ववादी एजेंडा है वो हमारे साथ में नहीं आएंगे, उनसे हमारा कोई लेन देन नहीं है। लेकिन जो औरंगाबाद चाहते हैं, जो औरंगाबाद कर है, वो इस मोर्चे में शामिल हो गए और सभी ने इस मोर्चे में शामिल होने की कोशिश करना चाहिए। इतने हम समिति को और से गुजारिश करते हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि सरकार अगर कोई डिसीजन लेती है तो वो वैलिड नहीं होते हैं, तो फिर अब, और इसी तरह से भागवत करार ने भी ये इशारा दिया कि वो फैसला वैलिड नहीं है, तो फिर कहीं आप लोग इस पर सियासत तो नहीं कर रहे? नहीं, हमारा सियासत का करने का सवाल ही नहीं है। हमको मालूम है कि 95 में ऐसा हुआ है। सरकार जब जब दो समाज में टेढ़ निर्माण का कोई कार्यक्रम होता है तो पहले करती है। आने वाले चुनाव है कॉर्पोरेशन के, वो चुनाव के सामने रखते हुए ये फैसला लिया गया है, ऐसा हमारा कहना है। आज औरंगाबाद नामांकन संघर्ष समिति, विरोधी संघर्ष समिति का एक गठन हुआ है और इस संघर्ष समिति को समाजवादी पार्टी का जनाब अबू आसिम आज़मी साहब के आदेश पर खुला समर्थन दिया गया है और 12 तारीख को, इस महीने की 12 तारीख को भड़कल गेट से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पुतले को हार डाल के एक मोर्चा निकलने वाला है, मुख मोर्चा, और वो आमखास मैदान के अंदर जाएंगे और वहाँ एक सभा में तब्दील हो जाएगा मोर्चा। तो ये मोर्चे के अंदर पूरे औरंगाबाद कर, यानी कि औरंगाबाद शहर से जो मोहब्बत रखते हैं, वो लोग शामिल होइए और अपना विरोध दर्ज करिए। देखिए, संभाजी महाराज को हमारा कोई विरोध नहीं है, मगर संभाजी महाराज की और औरंगज़ेब की जो लड़ाई थी वो राजनीतिक लड़ाई थी, वो एक दो राज्यों की लड़ाई थी और वो राज्यों की लड़ाई में जैसा एक कॉरपोरेटर दूसरे कॉरपोरेटर के ख़िलाफ़ में लड़ता है, एक एमएलए दूसरे एमएलए के ख़िलाफ़ में लड़ता है, उस तरीके की वो लड़ाई थी और उस लड़ाई को राजनीतिक रंग देके औरंगाबाद शहर का नाम बदलना ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस मोर्चे में इंशाल्लाह इतनी तादाद में लोग आएंगे कि ये मोर्चा एक खामोश मोर्चा है, मगर ये मोर्चे की आवाज़ जो है तो ऐवानों तक जाएंगी और ये मोर्चे की आवाज़ जाने के बाद ये नामांकन का जो फैसला लिया गया है वो नामांकन का फैसला इनको रिजेक्ट करना पड़ेगा। और ये मोर्चे में औरंगाबाद की पूरी, औरंगाबाद ज़िला, औरंगाबाद शहर, हर ताल्लुक़े के लोगों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि मोर्चे में अपना कीमती वक्त दे के आइए। देखिए, बकरीद का टाइम है, हम कुर्बानी तो दे रहे, अपने वक्त की कुर्बानी दे के भी ये मोर्चे में आइए, मेरा इतना ही कहना है। मैं फैसल खान, समाजवादी पार्टी शहर अध्यक्ष, औरंगाबाद। साहब, सीधा औरंगाबाद नामांतर के खिलाफ में जो मोर्चा निकाला, ऐसा क्यों? ये औरंगाबाद नामांतर के खिलाफ जो मोर्चा निकाला जा रहा है, ये मोर्चा 12 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर भड़कल गेट से उनके पुतले को हाथ डालकर निकाला जाएगा और ये जो मुख्य मोर्चा रहेगा
काली पट्टियां लगाकर ये मोर्चा निकाला जाएगा और ये मोर्चा आमखास के मैदान तक जाएगा और वहाँ पर जो है तो वहाँ से जो ये कुर्ती समिति जो संघर्ष समिति बनी है इनके सारे लोग मिलकर डिविजनल कमिश्नर को एक निवेदन देंगे और हम वहाँ पर जो है कहेंगे कि ये हमको ये मंजूर नहीं है। अब ये हुकूमत जो जाते जाते इन्होंने ये फैसला किया है कि भाई डूबते को तिनके का सहारा, इन्होंने जो तो ये रेगुलेशन पास किया जबकि ये अल्पसंख्यक में थे, ये जो है तो इनको कोई राइट्स नहीं है कि भाई हुकूमत जा रही कैबिनेट के दो चार मिनिस्टरों को लेकर जो है तो ये रिजर्व पास कर दिए। तो जैसा कि शिंदे हुकूमत जो आई है अभी जो सीएम है ये सीएम साहब ने ये हुकूमत के जाते जाते एनवेडी में जो विषय लिए थे बड़े बड़े कामों के कुछ ट्रांसफ़र के और ये औरंगाबाद का तो उन्होंने रद्द कर दिए। तो ये रद्द करने के बाद में मैं शिंदे साहब जो हमारे सीएम हैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा गुजारिश करूंगा कि जैसा उन्होंने ये दूसरे जो इनके जो कुछ जो है तो ट्रांसफ़र थे और कुछ जो है तो बड़े बड़े काम थे ये हुकूमत जो एन वडी पर इन्होंने लिए थे जाने वाली हुकूमत ने उनको रद्द कर दिए कैंसिल कर दिए, ऐसा मैं उनसे गुजारिश करूँगा ये जो ड्रा उन्होंने लिया है इसको भी रद्द कर दें तो हमारा झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा और अगर नहीं करते तो हम सड़क पर आकर सड़क की लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार है और कोर्ट की लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार है और हमको एक मजबूत औरंगाबाद से एक प्लेटफॉर्म जो है सर्वपक्षीय ये हमारे साथ है और हमारे जो एमआईएम के जो खासदार है ये हमारे सरपरस्त है, इनकी जो है तो सरपरस्ती हमको हासिल है लेकिन काम ये जो अभी संघर्ष समिति बनी है ये संघर्ष समिति ही करने वाली है। यहाँ से लेकर दिल्ली तक जो लड़ना पड़े सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े ये जो संघर्ष समिति है यही लोग लड़ेंगे और हम ही इसको जो है तो आखिरी तक अंजाम देंगे और कोशिश करेंगे कि नाम ये करना बदले। आप जो है तो इसको कुल जमात ही बोल रहे हैं लेकिन आपके ग्रुप में है तो एनसीपी लीडर कहीं भी नजर नहीं आया। एनसीपी लीडर ख्वाजा शरफुद्दीन से मेरी बात हो चुकी, उन्होंने कहा कि मैं इलियास किरमानी को भेजता हूं, अब नहीं आए तो फिर वो उनकी अपनी मर्जी है। कुछ काम में होंगे, पिछली मीटिंग में थे, गेस्ट हाउस की मीटिंग में थे उन्होंने, पर हम सब गठित वालों ने सबको बुलाया। पार्टियां शामिल हैं भाई, अब ये पूरे लोग साहब के सामने खड़े हैं, अभी गिने तो नहीं लेकिन 18 से 20 पूरे मूवमेंट के लोग हमारे साथ में हैं और अभी और बढ़ने के चांसेस है। औरंगाबाद नामांतरण विरोधी समिति का आज गठन हुआ है और ये जो मसला उठाया जा रहा है पूरे देश में नामांतर के करके अलग अलग चीज़ों से देश का माहौल ख़राब किया जा रहा है, ये सब चीज़ों को राष्ट्रीय जनता दल में विजय कंडारे प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र राष्ट्रीय जनता दल खुला विरोध कर रहा है इस सब चीज़ों का, जो बीजेपी ने पूरे देश में माहौल ख़राब करके अलग अलग कारणों से किसी भी शहर के नाम चेंज करके दोनों समाज में जातीय तेढ़ निर्माण करने की कोशिश की जा रही है। ये हमारी नज़र में वोटों का ध्रुवीकरण है, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए 2024 के लिए ये सब ये चाल चली जा रही है और राष्ट्रीय जनता दल इसका कड़ा विरोध करेगा और इसीलिए आज मैं यहाँ पर खुद शरीक हुआ हूँ और जो औरंगाबाद नामांतरण समिति है विरोध समिति है उसके हम लोग समर्थन कर रहे हैं और आगे भी हम लोग इसके लिए कड़ी लड़ाई जहाँ तक भी जाएंगी न्यायालय में जाएंगे कोर्ट में जाएंगे संवैधानिक तरीके से हम इसका विरोध करेंगे। संयोजक है हम यही कहेंगे आरपीआई की ओर से कि जो औरंगाबाद शहर की शान है वो शान रहना चाहिए, वो शान को कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए। औरंगाबाद का सही ना दूसरा कुछ करना है आपको डेवलपमेंट सिटी स्मार्ट के माध्यम से तो दूसरे बहुत से तुम नाम दे सकते हैं, एयरपोर्ट को दे सकते हैं, किसी और को भी दे सकते हैं लेकिन औरंगाबाद का नाम चेंज करना नहीं चाहिए। इसका हमेशा के लिए हमारा विरोध रहेगा और विरोध करते रहेंगे और आने वाले इसके अंदर रोड के ऊपर उतर के हम मोर्चा भी निकलने वाले, इसके अंदर सभी पार्टियाँ मौजूद है, कोई भी पार्टी इसके अंदर नहीं बोलने वाली नहीं। औरंगाबाद नामांतरण हमको चाहिए, औरंगाबाद ही होना चाहिए, हम औरंगाबाद कर रहे हैं औरंगाबाद कर ही रहेंगे, ऐसा ये बोलता हूँ मैं। यार मैं किशोर थोरात आरपीआई शहर अध्यक्ष है और 12 तारीख को शहर में जो समिति गठन की गई है उसके अध्यक्ष है इस जिले के लाड़ के खासदार इम्तियाज जलील साहब और जाते जाते ये महाराष्ट्र शासन के जो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री माजी इन्होंने जो दलित मुस्लिम अल्पसंख्यक के जो मन दुखाने का काम किया हम उसका निषेध के वास्ते आने वाले 12 तारीख को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भड़कल गेट से मुख मोर्चा उसका नेतृत्व हमारे जिले के खासदार इम्तियाज जलील करेंगे। उस संगठन गठित का अध्यक्ष भी उन्होंने और आज जो है शहर में उन्होंने जो नामांतर का प्रश्न मुद्दा लिया है आने वाले महानगर पालिका का इलेक्शन के वास्ते लिए आए, बाकी उसके पीछे कोई भी राजकारण नहीं है। हम इस वो ठहराव का जो मुख्यमंत्री ने ठहराव पास किया उसका निषेध करते और
आने वाले 12 तारीख को मैं औरंगाबाद शहर और जिले के लोगों को विनंती करता हूँ ये मोर्चे में सभी शामिल हो। ये मोर्चा कहाँ से निकलेगा, कब निकलेगा और कहाँ पहुँचेगा और आगे क्या? ये हमारे आयुब साहब बोलिए।